जन्माष्टमी पर आप भी इस तरह की गोवर्धन पर्वत वाली झांकी अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इस तरह का एक प्लास्टिक कंटेनर लेंगे, फिर इसके चारों किनारों पर पेपर को फोल्ड करके कुछ इस तरह से चिपका देंगे। इसके बाद एक डीसी सबमर्सिबल पंप लेंगे, जो कि मार्केट में 70-80 रुपए में मिल जाता है। इस पंप को हॉट ग्लू से कुछ इस तरह चिपका देंगे। इसके बाद एक थर्मोकोल के टुकड़े को कुछ इस तरह से चिपका देंगे। एक डिस्बार की डिब्बी का ढक्कन लें और ढक्कन के किनारों पर 3 होल करें और फ्रंट साइड पर भी 7-8 होल कर दें। बाद में इन्हीं होल से पानी गिरेगा। इसके बाद 3 लकड़ी की डंडियों को कुछ इस तरह चिपका लेंगे। डंडियों के ऊपर ढक्कन को अच्छे से फिक्स कर दें। इसके बाद थर्मोकोल के शीट्स को चिपकाकर पहाड़ जैसा शेप बना लें, फिर इसमें पीछे के साइड और उसके नीचे होल कर लेंगे। इस होल में पाइप को डालकर चिपका दें। पाइप को चिपका देने के बाद थर्मोकोल को भी चारों तरफ से चिपका दें। झांकी को खूबसूरत बनाने के लिए एक्रिलिक पेंट से कलर करें। प्लास्टिक की डॉल से गोपियों और श्री कृष्ण जी को बना लें एंड हॉट ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। पंप को स्टार्ट करने के लिए एक पुराना फोन चार्जर लें और चार्जर के दोनों वायर को पंप के दोनों वायर से जोड़ दें। इसके बाद चार्जर को ऑन कर दें। अब यह झरने वाली झांकी पूरी तरह से बनकर तैयार है। दोस्तों, इस जन्माष्टमी अपने घर पर इस तरह का ऑटोमेटिक झरने वाली झांकी जरूर बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।